दतिया में संत श्री पुष्प दंत सागर महाराज, प्रवक्ता संत क्रांतिकारी जैन मुनि प्रतीक सागर महाराज के मार्गदर्शन और आचार्य धर्मभूषण महाराज के सानिध्य में 21 और 22 नवंबर को कोरोना महामारी की शांति और विश्व कल्याण के लिए 108 मंडली भक्तामर महामंडल विधान दीपोत्सव यज्ञ समारोह धर्मशाला सोनागिर में किया जाएगा। यह जानकारी संत प्रतीक सागर महाराज ने सोनागिर में दी। उन्होंने बताया कि इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन दिगंबर जैन जागरण युवा संघ मुंबई द्वारा कराया जा रहा है। कार्यक्रम 21 नवंबर को दोपहर 2 बजे भट्टारक कोठी से जैन मुनि संघ के प्रस्थान से होगा। कल जो है भक्तांबर दीपोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें जो है महेंद्र एंड पार्टी पाली द्वारा जो है संगीत में असंख्य दीप जलाकर के उस कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। 22 तारीख की सुबह 8 बजे जो है देव शास्त्र गुरु भव्य जुलूस निकाला जाएगा। तत्पश्चात जो है यहाँ पर मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ होंगी, जिसमें ध्वजारोहण, इस मंडप की शुद्ध प्राश्व जल से जो है शुद्धिकरण, और दोपहर में ठीक 12 बजे जो है यहाँ पर 108 मंडली भक्तांबर महामंडल विधान का आयोजन होगा, जिसमें 188 बीज मंत्रों को स्मरण किया जाएगा। 108 बीज मंत्रों द्वारा भगवान आदिनाथ के मस्तक पर महाशांति धारा होगी। और साथ ही जो है दिगंबर जैन मुनि अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन इच्छी उनके पास रहती है। उस दिन जो है नवीन इच्छी जो है दिगंबर मुनियों को भेंट की जाएगी, जो जीवों की रक्षार्थ इसलिए इच्छी परिवर्तन का एक विशेष कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात जो है तत्पश्चात जो है शाम ठीक 6 बजे जो है 1008 दीपों से जो है भगवान की महा आरती की जाएगी। इस तरह से जो है उस भगवान से प्रार्थना और आराधना की जाएगी कि आप जो है इस कोरोना महामारी से सारे विश्व को निजात मिले और जो है लोगों के मन में हंसी खुशी और प्रसन्नता के वातावरण का निर्माण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।